जैसे गुरु करता है। गुरु हमें भगवान का दर्शन कराता है, परमात्मा से मिलाता है। मौनी अमावस्या का दिन था, माता मंदाकिनी के किनारे पर भारी भीड़ लगी हुई थी। बाबा तुलसीदास का यह नियम था, सुबह बैठकर सबके माथे पर चंदन लगाते थे। किसी न किसी व्यक्ति के पास कोई चीज तो होती है, इनका रोज का काम था। 3-4 घंटा लोगों के माथे पर चंदन लगाते थे। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम भर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन कन्नाली को खत्म करता है, चंदन दरिद्रता को खत्म करता है, माथे का चंदन हृदय के विकारों को खत्म करता है। यह चंदन की महिमा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सबके माथे पर चंदन लगाते थे और उसी भीड़ में भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण के सहित आ गए और आके बोले, बाबा ने कहा हमारे माथे पर चंदन लगाए दे। तुलसी चंदन लगा रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि भगवान है। हनुमान जी तब तोते का भेष बनाकर उसी पेड़ के ऊपर आके बैठ गए और ये उन्होंने कहा था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और आज तुलसीदास चंदन घसे, कृपा कर रघुवीर। इतना कहा, चरणों में गिर पड़े।